बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। Alright, how's yourself? Welcome to Bol Entertainment, Pakistan ka number one entertainment channel, and this is Katakar Show, Pakistan ka number one entertainment show. और ये है पाकिस्तान का मुनफरिद, अपने अंदर ये एक इंफरादियत रखता है ये शो, क्योंकि रेडियो ऑन टी वी मेरा ख्याल है किसी और चैनल ने, ना सिर्फ किसी और चैनल ने, पड़ोसी मुल्क में भी इस तरह का कोई शो नहीं है जिसमें रेडियो हमने टी वी पर दिखाया हो। खैर जी, तमाम हज़ारतुल ख़वातीन जो कि इत्तेफ़ाकन हमारी इस महफिल इस बैठक इस कचहरी का हिस्सा बन चुके हैं, तो यकीन जानिएगा और भरोसा रखिएगा, आज बहुत ही ये क्या कहते हैं मुलायम सा इत्तेफ़ाक है, वही इत्तेफाक है जिसमें वक्तन फवक्तन बरकत होती रहेगी और आप खुद महसूस करेंगे कि यार आज के गेस्ट जो हैं ये तो नंबर वन गेस्ट है, नंबर वन चैनल पे नंबर वन गेस्ट, और साथ साथ ऑब्वियसली जब आप हमें देखेंगे तो आप हमारी नंबर वन ऑडियंस बन जाएंगे। वो कहते हैं ना कि खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है, तो इसी तरह से माहौल होगा। लेकिन तमाम वो लोग जो कि सुबह से लेकर अब तक डिप्रेशन का शिकार हैं या फिर बहुत ज़्यादा शिज़ोफ्रेनिया के मर्ज में मुब्तला हैं, चीज़ें दिख रही हैं, सुनाई दे रही हैं, या फिर किसी ने हो सकता है आपका दिल दुखाया हो, या फिर आपने स्क्रीन ऑन की हो अपनी और मुख्तलिफ टी वी चैनल्स पर आपको मायूसी बिकती हुई नजर आ रही हो और आपका दिल बैठा जा रहा हो, तो ये शो इसीलिए है ताकि आप लोगों के चेहरे की मुस्कुराहट का सबब बन सके, और दर हकीकत यही मेरे लिए कीमती असासा है, गल्लां सच्चियां ते खरियां। खैर जी, आज के जो हमारे दो गेस्ट हैं मेरे साथ मौजूद हैं, ये कौन है, ये दो खूबसूरत खवातीन नहीं लड़कियां, ये दो खूबसूरत लड़कियां कौन है मेरे साथ, इनसे बातचीत करेंगे। एक के नाम में मैं बहुत कंफ्यूज हूं, एक के काम में मैं बहुत कंफ्यूज हूं। सो वी हैव डॉक्टर जवेरिया एंड वी हैव सरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सरा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं एकदम परफेक्ट हूं, एकदम मजेदार हूं, और आपका नाम इतना, आपने कितनी दफे याद किया बोलने से, मैं तस्बीह पढ़ रहा था सरा सरा के सरा सरा गाने याद आ रहे थे मुझे आपके नाम से। सबसे पहले थैंक यू सो मच आप आई हैं। थैंक यू फॉर हैविंग मी, बहुत अच्छा लगा। आपको अक्सर टीवी पे देखता था मैं, यूट्यूब पे आपके चैनल का सब्सक्राइबर भी हूँ मैं, yes. आपके डांस भी देखता था, कमेंट भी करता था, लेकिन आप इग्नोर करती थी। वो इतने सारे सब्सक्राइबर्स इतने सारे जाहिर सी बात है, टू पता नहीं कितने के हैं वो, yeah, so. उसके ऊपर बात होगी हमारी। लेकिन हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं जिनका मैं फैन हूँ। डॉक्टर साहब, आपके कारनामे कहाँ कहाँ नहीं है, हमने आपका सोशल मीडिया छाना, वहाँ पे गोल्ड मेडल्स की तादाद देखी, उसके ऊपर मैं बात करूंगा कुछ देर में, लेकिन फिर आपको दूसरे चैनल पे मैं देखता था, तो मेरी ये ख्वाहिश थी, तमन्ना थी कि मैं कभी आमना सामना हो, कभी हम यूं बैठे चाय पे गुफ्तगु हो। वैसे बाय द वे चाय मैं चाहूंगा कि मेरी टीम जो है वो कहीं से भी चाय इसके कॉफी अरेंज करे, आप कॉफी पियेंगी चाय पियेंगी? चाय कॉफी आप नहीं अभी फिलहाल, अभी फिलहाल, लेकिन कुछ भी है भाई प्लीज यहाँ पे कुछ खाने पीने का सामान लाया जाए ताकि हम बातचीत शुरू करें। थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत शुक्रिया। जी आपका शुक्रिया, आप लोगों ने बुलाया, आई जस्ट लव दिस चैनल, और मुझे यहाँ की जो आपकी मैनेजमेंट है और डिफरेंट जो प्रोग्राम्स हैं, I really admire it. और इट्स लाइक अ वॉरियर सॉर्ट ऑफ चैनल, यू नो, चैनल नहीं है यहाँ पे बड़े बाहिम्मत लोग रहते हैं, बावाज़े बुलंद लोग रहते हैं, और बाहिम्मत जो लोग हैं वही बाहिम्मत कौमें बनाते हैं, बेशक वी कैन यू नो वर्ल्ड चेंजर पीपल आर हियर। इट्स लाइक यही वजह इनको मैंने बुलाया, मैंने कहा ना आज मैंने इनको बुलाया, कोई वजह है, ये एक ऐसी खातून जो गोल्ड मेडल्स की तादाद लेके बैठी है अपने पास और सोशल मीडिया और ये किया वो किया सब कुछ किया इन्होंने, जो बेसिकली मुझे लगता है जो पढ़े लिखे मुआशरे होते हैं वो बहुत उनकी लॉन्ग टर्म जो है वो डिसीजन मेकर्स होते हैं, एक अच्छा डिसीजन मेकर्स कई लोगों पे कई ब्रेन्स पे रूल करता है और बहुत से लोगों को मैनेज करता है, डायरेक्शंस देता है, क्योंकि एक डायरेक्ट आपने अगर जैसे बिंगा जैसे हम लोग हैं, वी हैव सीन सो मेनी हर्डल्स, सो मेनी प्रॉब्लम्स प्रोफेशनल साइड में भी, पर्सनल लाइफ में भी स्ट्रगल भी, और फिर उस स्ट्रगल में ये चीज़ देखी सीखी, क्योंकि मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जब जाती हूँ या मैं बच्चों को मोटिवेट या इंस्पिरेशनल उनको नोट देती हूँ, तो मैं यही कहती हूँ कि एक तो नंबर वन के मतलब हर गुरूब होते हुए के साथ एक चढ़ता हुआ खूबसूरत एक जो सूरज है, बिलीव इन द गुड टाइम्स ना, बैड टाइम्स इज द पार्ट ऑफ लाइफ और दिस इज कॉल्ड लाइफ, जब बुरा टाइम नहीं आता तो हाउ यू केम टू नो कि दिस इज द गुड टाइम और अ बैड टाइम ना, तो इंस्पिरेशन मोटिवेशनल और पर्सनल जो आपका फायर है उसको लाइव रखने के लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। अगर आपको ऑप्शन मिले कि इज्जत रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है, रिस्पेक्ट चाहिए या शॉर्ट मनी चाहिए? रिस्पेक्ट तो हर जगह चाहिए होती है, रिस्पेक्ट के तो यार तुम्हें कांट सर्वाइव, लेकिन अभी जो देखें नॉर्मली मैं देख के रहा हूँ अभी हर नहीं देखिए जैसे एक बच्चा है, एक छोटा बच्चा है, तो वो जब तेज भागता है तो वो गिर जाता है, और हम फर्स्ट वन टू थ्री फोर से जब मैट्रिक या ओ लेवल्स तक जाते हैं तो हम वन वन स्टेप से जाते हैं ना,
आप सीधा तो नहीं जंप करते, तो वो जो वन बाय वन स्टेप है ना उसमें लॉन्ग रन है, आप एंड तक जाते हैं। जो तेज स्टेप्स हैं आप बहुत बुरी तरह गिर भी जाते हैं, सांप सीढ़ी पे 99 पे सांप बैठा होता है, आप बहुत मतलब नो वन कैन इवन सेव यू। यू हां, आजकल हमारे एक्टर्स बहुत बिजी हैं, ये मैंने देखा, लेकिन शुक्र है कोरोना के बाद अब बिजी हैं। हां, कोरोना में सब घरों पे बिजी थे। यस, अब सब काम में बिजी हैं। तो कितने प्रोजेक्ट थे, अपना फेवरेट प्रोजेक्ट चलने बताएं। प्यार के सदके। प्यार के सदके, उसमें आपका क्या वो था करेक्टर? बेसिकली बिलाल अब्बास की बहन थी मैं, बट वो बहुत ही फियर्स लड़की थी, मतलब वो गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, लाइक वेरी मॉडर्न कैरेक्टर, बट वो था कि बस बजा के रखनी है। तो ये तो रियल लाइफ लग रही है, ये तो आपके लिए बहुत इजी होगा, मुझे लगता है आप रियल लाइफ भी ऐसी हैं। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, आप बजा के नहीं रखती हैं आप? नहीं इतना नहीं, हम तक जो चीजें पहुंच, देखें हमारी रिसर्च टीम ने हमें बताया आप बजा के रखती हैं, रियल लाइफ में भी कभी 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 करना पड़ता है, कभी कभी नहीं, कभी कभी जरूरी होता है। अच्छा लोग साहब, आप बताएं कि माशाल्लाह आपके मेडल्स कितने, चार तो मैंने पढ़े लिखे, चार मेडल्स, 9 गोल्ड मेडल्स माशाल्लाह, मैंने 4 चैंपियन इन कैंसर अवेयरनेस के 3-4 गोल्ड मेडल्स मेरे यहाँ से, मैंने कराची से मैंने लिए, क्योंकि कराची के ऑनकोलॉजी डिपार्टमेंट का जो सिविल हॉस्पिटल से और डोई यूनिवर्सिटी पे, और ये मुझे यहाँ पे जो डॉक्टर्स हमारे कराची के डॉक्टर्स हैं ना, बहुत पंजाब में बहुत अप्रिशिएट करते हैं मुझे, मतलब वहाँ भी आते हैं तो दे आर एवर गेस्ट। तो क्या आपकी कोई सेटिंग है कि गोल्ड मेडल आप ही को मिलना है? नहीं नहीं, सेटिंग नहीं है, मैंने बेसिकली जब लोग, मैंने पेपर्स भी पब्लिश, 4 इंटरनेशनल पेपर्स भी मैं लिख चुकी हूँ, तो हम लोगों की रिसर्च होती है ना, अभी मेरा बल्कि अभी मेरा जो रिसर्च, मेरी PhD ऑनगोइंग है, रिसर्च टॉपिक चल रहा है असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस अमंग ड्रग एडिक्ट्स इन डिफरेंट वेरिएबल ग्रुप्स। तो हम लोग जब रिसर्च करते हैं ना, तो हम डिफरेंट डॉक्टर्स भी उस पर पेपर लिखते हैं, चीज़ें करते हैं, तो वी सिट एंड वी कैन यू नो ब्रेन स्टॉर्मिंग ऑन दिस, और फिर एट द एंड ऑफ द डे वी कैन कम ऑन द कंक्लूजन, और टेलिंग ऑन टीवीज और लेक्चर्स में और सेमिनार्स में, जिंदगी भर में। हाँ, तो उसमें फिर हम लोगों को भी अवेयरनेस देते हैं कि अच्छा वी कैन गो टू दिस कंक्लूजन और इसका हम ये कर सकते हैं। लेकिन देखिए, मुझे लगता है कि मैंने ना बहुत कम खूबसूरत डॉक्टर्स देखी हैं, बहुत ही होंगी, लेकिन देखें आपकी मुझे, मैं एक चीज़ से बिलीव करती हूँ, जो शक्ल होती है ना, जो बहुत सी चीज़ें होती हैं, वो विद द पासिंग ईयर्स एवरीथिंग गोना चेंज, ब्रेन एंड योर एक आपका इखलाक, एक आपका जो आपका जहन है, एक आपकी पढ़ाई जो तालीम है, वो एक असल एक्चुअल जेवर है, वो यू कैन गो एनी वेयर इन द वर्ल्ड एंड यू कैन अर्न और यू कैन मेक मनी और वट एवर यू वॉन्ट और यू कैन डू ना, मतलब तालीम एक लड़की के पास इतना खूबसूरत जेवर है कि मेरे ख्याल से उसको फिर जहेज देने की भी जरूरत नहीं। आई थिंक हर किसी के पास, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। 9 गोल्ड मेडल्स आपने बताया ना? जी बिल्कुल। तो क्या अभी बेचने का इरादा है कि नहीं? अब मतलब देयर द मेनी मोर ऑन द वे, और 2 नेशनल प्राइड अवार्ड भी ले चुकी हूं, एक प्रेजेंट इन हाउस में वन ऑफ वन सीयूज कमाए है वो बेची। ये नहीं पूछ रहा कि और क्या क्या जमा करना है आपने, जो आप जमा कर रही हैं ओके ओके। फिर उस मेरे पास छोटा सा सैमसंग का था, पिंक कलर का, इट्स लाइक 7000 समथिंग, तो वो भी तब, मतलब इट्स बीन 2011 यू कैन से। आप और मैं एक ही एज के हैं क्या? सेम सेम 3310 भी आपने यूज किया है, मैंने भी यूज किया है। अच्छा, आप कौन सी वाली पर्सन हैं, ये 2 मोबाइल रखने वाली खातून हैं आप? नहीं, हैंडल नहीं हो पाते, एक फोन में 2 सिम। ये 2 सिम का क्या, ये सवाल है ना सबसे महंगा सवाल, मैं आपको बताता हूं, पैकेज सस्ता पड़ेगा, बातें करनी सास से, मैं आपको बताती हूँ ना, दूसरी सिम में जो होता है, जो काफी चीजें ऑर्डर करनी होती है ना, उन राइडर्स का नंबर वहीं जाता है। अच्छा, तो वो ऑनलाइन ऑर्डर्स के लिए या वो जो खरीदते हैं हम चीजें, जिसका कोई व्हाट्सएप नहीं होगा, सिर्फ वो कांटेक्ट के लिए होगा कि अच्छा डिलीवरी आज होगी कल होगी। बात आप 2 सिम वाली है ना, मतलब 2 सिम यूज करती हैं आप? ओके, आप डॉक्टर साहब कौन सी वाली? मैं तो एक ही फोन है और एक ही सिम है, और वो भी पता नहीं लास्ट 8 इयर्स से सेम। मुझे तो कोई कह भी देना कि फेमस दाया कोई चीज बने तो यू कैन चेंज योर नंबर, तो मैं कहती हूं आई एम नॉट गोना चेंज माय नंबर। अच्छा, कभी हुआ तंग? जिसने देखे हमारे शो का जो असल मकसद है ना, लोगों को तंग करना है, हम लोगों को तंग करते हैं कॉल्स करके। जी जी, तो खवातीन को मैंने नोट किया कि लोग ज़्यादा तंग करते हैं, अगर किसी का नंबर आ जाए, हो सकता है आपको पता भी ना हो, आपको भी ना बताओ आपके नंबर बिके हो, अबे यार वो सरहा का नंबर चाहिए 500 रुपए दे, हो सकता है ना, बट वी कैन एंजॉय दिस मोमेंट एंड गो फॉरवर्ड यू नो। मैं तो मतलब दिल बड़ा करके माफ करके आगे निकलने वाले हूं। कभी ऐसा हुआ कि फोन पे बात करते करते आपका भी वो, हाँ यार इसका फोन नहीं आया, तंग नहीं कर रहा?
मुझे बताएं कि कटाकट ऑब्वियसली आपने देखा होगा ये शो, इस शो का आपको पता है मकसद क्या है? लोगों बेसिकली मकसद लोगों को तंग करना नहीं है, लोगों को हंसाना है। हम चाहते हैं कि लोग मजाक उड़ाना नहीं है, मजाक करना है, हम साथ करेंगे मजाक। आपने कभी किसी के साथ कोई प्रैंक किया लाइफ में? जब मैं मे बी स्कूल में होंगी तब जो वो नहीं होते थे होते थे ना कभी रैंडम मिला के किसी को तंग कर, जिसका लॉक वो लकड़ी का बक्सा होता था उसके अंदर लॉक होता था, उंगली डाल के डायल करते थे, वो वाले भी थे हमारे पास, वो वाला भी था। अच्छा, जीरो से जो शुरू होता था, अच्छा मजा आता था जीरो वाले नाइन वाले नंबर डायल करने का, ताकि वो टक 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 टक। डॉक्टर साहब अब आपकी तरफ आते हैं, सही जवाब देना आपने। पहली घबरा गई हैं। कभी आपको प्यार हुआ? हाँ। किस उम्र पहला प्यार? पहला प्यार तो मतलब कुछ अरसा पहले ही हुआ था। पहला प्यार इतनी देर? अच्छा, पहला प्यार कुछ अरसा पहले हुआ है? Because whole life I've been there busy in studies now। वो किताबों में रही है ना प्यार करने का। मुझे शायद मतलब मुझे अपनी जब मैं I came in my professional life तो मुझे लगा कि I never give my time to myself or things, you know। तो आप जब बहुत busy होते हो तो you don't have a time for people or things, क्योंकि देखिए हर चीज को टाइम चाहिए, और if you don't have a time then। अच्छा, आपकी बातों से आप कड़क खा दूं ना बड़ी कड़क, आप किसी की हिम्मत नहीं आपसे भिड़े। ये मासूम लग रही है मुझे आपसे बात करने के बाद ना, मुझे लग रहा है तो मासूम है बहुत। आप कड़क हैं तो कड़क हैं, होना पड़ता है थोड़ा थोड़ा। नाम देती हैं तो जाहिर है, लेक्चर ही हमें लेक्चर दे रही है। मुझे लग रहा है मैं कोई स्टूडेंट हूं इनका, मुझे लेक्चर सा फील होने लग गया। एक जमाना होता था मतलब 70s की तरफ चले जाएं तो जो नाम हिट थे, शबाना, रुखसाना, जमीला, सकीना, जकिया, जोहरा, ये नाम थे उस जमाने के। और वो मुझे लगता है हर नाम का भी ट्रेंड होते हैं, जिस तरह आज के जमाने में जियारा, खियारा, शियारा, जुनैरा, ये अब हम इस फील्ड में आए हुए हैं। आपका एक अलग दुनिया है, ये कौन सी दुनिया? सरहा बस है एक अलग दुनिया। आपके घर में बाकियों के नाम बताएं कौन कौन है? अच्छा, वैसे तो हम पांच बहन भाई हैं, जो पहले नहीं, जो जिनके नाम मुश्किल है वो है मुश्किल नाम वाले? हाँ, मैं बताती हूँ, पहले दो के तो बहुत आसान है, काशिफ एंड आसिफ। ये काशिफ आसिफ देखे हर, ये एवरग्रीन नाम है पता है। फिर उसके बाद जो है वो अब मुश्किल जनरेशन स्टार्ट होती है। अच्छा, मुश्किल का सामना शुरू। फिर आते हैं जुल्केफिल। क्या? जुल्केफिल, जुल्केफिल, यस। इसका मतलब क्या भाई? ये क्या है? वो लड़के का नाम है, लड़की का नाम? लड़के का नाम है जुल्केफिल। हाँ, अच्छा। इसका मतलब है दो की किफालत करने वाला, दो की। हाँ जी, ये कुरान में, ठीक है। फिर आती है अनहार। अनहार, अनहार। अच्छा, ये लड़की है, लड़की है, नहरों की जमा, नहरों की जमा, जमा अनहार। वाह वाह वाह, ठीक है। और फिर सरहा, इसका मतलब है महल या ऊंची इमारत। तो ये कौन, गूगल पे तो नहीं मिलते नाम मेरे? गूगल तो आप, मेरे अब्बू बहुत कुरान पढ़ते थे, तो उन्होंने ना ढूंढ के बहुत नाम निकाले कि जब मैं आवाज़ लगाऊँ मेरे बच्चों को स्कूल में, तो वो सिर्फ पहली आवाज़ में मेरा ही बच्चा मारा। तो सेल्फ सेंटर्ड वाला चक्कर था कि मेरे ही बच्चे, इस नाम के तो और बच्चे होंगे भी नहीं पूरे स्कूल में, क्या मैं आज के 10 स्कूल में निकाल लूँ इस नाम के बच्चे नहीं मिलते। क्या बात है, क्या पता अब हो जाए। अनहार को अपने बच्चे का नाम रखना चाहिए, डिफरेंट आज का ट्रेंडिंग नाम है। yes, लोग का ट्रेंडिंग नाम उठाते हैं ना। अच्छा, yes. आपकी क्या वो इस बात पे सोच है कि आप अपने बच्चों के नाम इसी तरह के रखेंगी? काशिफ और आसिफ दोबारा आने वाला है, मुझे लगता है अब यूनिक नहीं हो सकता। आई थिंक अब हर एवरीवन गोस फॉर यूनिक, कुछ ऐसा नाम हो जो लाइक सुनने में अच्छा हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके, आपका तो अच्छा, आपकी चॉइस से तो मुझे वो है ना, तो डाउट है आपको पता नहीं क्या निकल, इसका नाम खुहाम होना चाहिए कोई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। कोई नाम बताएं अपना, अभी तक सोचा नहीं है ना। आप मैरिड हैं? हाँ, लेकिन अभी सोचा नहीं है, सोचने के लिए रिसर्च। ये चीजें ना मैं क्लास मैट्रिक में जब मैं बातें करता था लड़कियों से, मैं तभी सोच लेता था। तीन तीन मैंने भी सोची होंगी तो मैं भूल गई होंगी ना, अब तो याद भी नहीं। कोई ऐसा जो आपने एक यूनिवर्सल सोचा हुआ होगा, ये नाम तो रखना ही रखना है बच्चे का, इतना नहीं सोचा। नहीं सोचा, कभी ऐसे वादे नहीं हुए। नहीं, खैर चले हम चलते हैं कॉल की तरफ। सही, आज की पहली कॉल। हेलो, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, बेसिकली मैंने आपसे पूछना था, आपने पिछले वीक एक ऑर्डर प्लेस कराया था, उसकी कंफर्मेशन मैंने आपसे लेनी थी। किस चीज का ऑर्डर? आपने एक जो है अप्लायंस का ऑर्डर किया था, और आपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की थी, तो आपकी डिटेल्स तो मेरे पास है, लेकिन मैं कंफर्मेशन हासिल करना चाह रही थी। कहाँ से बोल रही हैं, कौन बात कर रही हैं? आपने एक वेबसाइट से ऑर्डर किया था, मैं आपको बता रही हूँ, वेबसाइट से।
आपने पिछले वीक किया था, आपको पता होगा क्या ऑर्डर किया था उस प्रोडक्ट का नाम बताएं। आपने फ्रिज ऑर्डर किया था, वो 1 लाख का था और कार्ड से पेमेंट हो चुकी थी, तो मैं इसकी कंफर्मेशन मांग रही हूँ। आप गलत आपको इन्फॉर्मेशन मिली है। नहीं नहीं सही है, मेरे पास कार्ड की इन्फॉर्मेशन भी है। आपका अकाउंट किसी बैंक? नहीं नहीं। अच्छा, क्योंकि बैंक के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हुई है और वो फ्रिज की हुई है और डिलीवरी। मोहतरमा गलत नंबर मिलाया ना? नहीं, मैंने गलत नंबर नहीं मिला है। इतनी बात ऐसे आप करे जा रही हैं कि ये 1 लाख का ये लिया था, ये लिया था, एक हफ्ते पहले ये लिया था। हाँ, तो आपने ऑर्डर किया था। मैं कह रहा हूँ कि भाई मैंने नहीं लिया। सर माजरत के साथ मैं कह रही हूँ कि आपने ऑर्डर प्लेस किया था, आपने ऑर्डर प्लेस किया था, कार्ड डिटेल्स बेसिक। मेरा नाम तो जानती, नाम जानती हैं आप जी? अर्शद बात कर रहे हैं आप? नहीं बात कर रहा अर्शद मैं। अच्छा, क्योंकि आपके नंबर से देखिए, आपके नंबर से नाम क्या है, क्योंकि आपके नंबर को मेरे बैंक का पता आपने ऐसी बकवास शुरू कर दी। देखिए, आपके ना नंबर से बेसिकली रजिस्ट्री आई हुई थी, तो मेरा फर्ज था कॉल करके कंफर्म करना कि आपने ऑर्डर प्लेस किया है कि नहीं किया। हो गया आपका फर्ज पूरा? आपने नहीं किया, कंफर्म कर लूं मैं, क्योंकि मैं फिर अपने लिस्ट से हटा दूंगी ये नंबर। आपका फर्ज पूरा हो गया ना? नहीं, बंद करें फोन अब। नहीं, मैं कह रही हूँ आप मुझे कंफर्म करेंगे तो मैं आपका नंबर हटाऊंगी, वरना कोई और आपको कॉल कर लेगा। भाई मैंने जब एक चीज खरीदी नहीं है तो क्यों करेगा कोई कॉल? क्योंकि सर आपका नंबर आया हुआ है लिस्ट में कि इस नंबर से ऑर्डर प्लेस हुआ है, अब मैं नंबर पे ही कॉल कर रही हूँ ना आपको। ये आपका जो नंबर आ रहा है ये बैंक का नंबर है? मैं बैंक से बात नहीं कर रही सर, मैं वेबसाइट से बात कर रही हूँ जिससे ऑर्डर प्लेस हुआ था, उस पे आपका नंबर आ रहा है कि एड्रेस टू डिटेल। कौन सी वेबसाइट है? उस वेबसाइट का नाम होगा ना कोई, सब खरीद लो .com। क्या नाम है? सब खरीद लो .com। हंस रही हैं आप? गोलू हंस रही हैं? हेलो हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाँ भाई, ये किसी बैंक से या किसी ये सब खरीद लो .com से कॉल नहीं कर रही थी ये। हाँ, बहुत पाकिस्तान का बड़ा, बेसिकली मैं एक शो से बात कर रहा हूँ, ये कटाकट शो है, बोल न्यूज़ पे, बोल एंटरटेनमेंट पे आता है। आपके साथ हमने प्रैंक कॉल की थी, ये असली कॉल नहीं थी, ये हमारी एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है पाकिस्तान की, उन्होंने कॉल की थी, सरहा ने कॉल की थी आपको। अबे यार, तो ये तो बताओ ना, मतलब मैं ये हैरान हो रहा हूँ, क्या बताऊं, प्रैंक कॉल में बताते हैं क्या फ्रिज खरीदा? नहीं तो मुझे पता है किस बात पे हैरानी हुई। भाईजान, आप बड़े दयानतदार और ईमानदार इंसान हैं, वो बार बार आपको ये कह रही थी कि पेमेंट हो चुकी है, पेमेंट हो चुकी है फ्रिज की, और आप मानने को तैयार नहीं थे कि आपने वो बुक कराया। आप चाहते ना अगर, तो आप कहते क्या पेमेंट हो चुकी है, आपके जहन में आ सकता था, लालच आ सकता था कि अगर पेमेंट हो चुकी है तो भाई डिलीवर करवा दो, लेकिन आप अच्छे इंसान हो यार, आप तो कम नजर आते हैं ऐसे लोग। इधर आए, आपको डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगाएंगे। दुनिया चल ही रही है, हम जैसे लोगों की वजह से दुनिया चल रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, आप बात, अब नॉर्मल आवाज में बात कर सकते हैं। नहीं, अपनी पिच से हटके ये बात कर ले जी, आपसे जो बात करी थी ये सरहा है, सरहा बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आई एम सो सॉरी, मैंने आपको बहुत तंग किया, लेकिन मैंने प्रैंक कॉल करनी थी तो इस हवाले से। चैलेंज था बेसिकली इनके पास, इनके 2 मिनट तक इन्हें ना किसी को इंगेज रखना है, तो आप 2.5 मिनट बल्कि 3 मिनट से ऊपर हो गया, आप इंगेज्ड हैं। आप इंगेज्ड हैं वैसे? जी इंगेज नहीं हूं मैं, बाकायदा जुड़ा हुआ हूं किसी के साथ। अच्छा, क्या क्या हुआ? अच्छा, चले अल्लाह आपको जोड़े रखे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। आप अपने नाम बता दें। नाम तो बता दें आप अपना। अरशद बोल रहे थे हम आपको खामखा। हाँ, असली नाम क्या आपका? बिलाल नाम है मेरा। बिलाल, थैंक यू सो मच, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। सही है, देखिएगा। ओके, बहुत शुक्रिया बिलाल, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। वाह 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 लड़की, क्या बात है, लड़की ने एंगेज किया, सब वेरी कॉन्फिडेंट इन गुड। सब खरीद लो जो दिया ना आपने, उसका मुझे मजा आया, अचानक जहन में आया। अच्छा, वो उन्होंने बोला ना है तो मेरी हंसी करके कुछ समझ नहीं आया। अच्छा, वो बेसाख्ता हंसी थी और वो बेचारा बोले जा रहा, आप हंस रही हैं, आप हंस रही हैं,
लेकिन बहुत आला, बहुत आला। आपका चैलेंज कंप्लीट होगा, अब आपका चैलेंज है, लेकिन आपके चैलेंज से पहले हम लोग जाएंगे ब्रेक की तरफ और ब्रेक के बाद वापस आएंगे इस महफिल को, इस बैठक को, इसके चेहरे को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहिबा, हमारे साथ मौजूद हैं सर, हाँ वापस आएंगे यहीं से कंटिन्यू करेंगे। दिस इज कटक कट शादी जगह। खवातीन और हज़रात, वेलकम बैक वंस अगेन। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने अब तक हमारा इंतज़ार किया कि कब ब्रेक ख़त्म होगा, कब जैन साहब वापस आएंगे, डॉक्टर जवेरिया को हम देखेंगे, कब हम सरहा को देखेंगे। देखिए दोनों से बातें चल रही हैं, पहला चैलेंज इनको दिया था, इन्होंने कंप्लीट कर लिया एंड यू आर द विनर। आपके साथ यहाँ हमने करोला देंगे आपको, एक वो आपको ड्रॉप करेगी वो आपको घर तक पहुँचाएगी, हमारी तरफ से गिफ्ट है। हाउ क्यूट। हाँ गिफ्ट तो देना चाहिए ना, बनता है। अच्छा डॉक्टर साहब आपसे भी सवाल करेंगे, लेकिन आप कॉल करेंगे, एक प्रैंक कॉल, अब आपकी बारी है। अभी जो आप कॉल पर बात करेंगी, आपका चैलेंज ये है, आप कॉल करेंगे क्योंकि आप डॉक्टर हैं, आप अपना इंट्रोडक्शन कराएंगी और आप बोलेंगी कि मैं ऑनलाइन ऑन कॉल सर्विसेज देती हूँ और आपकी फैमिली में या आपको की तबीयत खराब है तो मैं आपको इलाज अभी बता दूँ। ठीक है, अपना असली नाम बता दें। डॉक्टर जवेरिया बात करें। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कौन? डॉक्टर जवेरिया बात कर रही हूँ। हमने एक ऑनलाइन, आप जानते हैं मुझे? कौन बात कर रही हैं? डॉक्टर जवेरिया महमूद बात कर रही हूँ। अच्छा इट्स ओके। मैं ये बता रही थी कि मैंने एक ऑनलाइन जो है वो कंसल्टेंसी स्टार्ट की है, इसमें मैं फ़ोन पर लोगों को ऑनलाइन कंसल्टेंसी देती हूँ। आप मुझे अपना कोई मसला बताएं तो मैं आप उसका सलूशन बता सकती हूँ, आपको कोई अच्छी न्यूट्रिशनल गाइड दे सकती हूँ। तो आप अपना कोई अगर हो हेल्थ इशू आपको हो तो। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, बस आपकी दुआएं चाहिए। जी जी क्या नहीं आ रहा, क्या 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 नहीं है? मेहनत बहुत करता हूँ, पैसे नहीं आ रहे। आप मेहनत दिन में करते हैं कि रात में करते हैं? कौन से वक्त में मेहनत कर रहे हैं? आपका प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशनली व्हाट यू डूइंग दिस डेज? मैं जी अपना प्रॉपर्टी का काम करता हूं। अच्छा अच्छा अच्छा, साथ दुआ भी किया करें ना और नियत भी अच्छी रखें। नियत अच्छी हो तो खुद ही पैसे आने शुरू हो जाते हैं। नियत तो अच्छी, नियत अच्छी है। मैं अल्लाह माफ करे जैसे उगा रहा हूं जमीन में। ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए इंसान का अल्लाह पे तवक्कुल और ईमान होना चाहिए, और अगर आपका अच्छा जो बात मैं आपसे पूछ रही थी, इफ़ यू हैव एनी हेल्थ इशू, आपको कोई स्टमक का इशू हो, आपके कोई किडनी में स्टोन्स हो, या कभी आपको कोई ऐसा हेल्थ इशू हुआ हो, तो आपको अगर कोई हेल्थ एडवाइस ऑनलाइन लाइव चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। मेरे छोटी उंगली में बहुत दर्द होता है। छोटी उंगली? आपको अपना रूमेटाइड अर्थराइटिस और यूरिक एसिड का टेस्ट करवाना चाहिए, पता चले कि आपका जो आप कौन से हाथ की उंगली जी? कौन से हाथ की उंगली? मेरे उल्टे हाथ की उंगली है ना, छोटी उंगली। अच्छा अच्छा, आपने पूछ लिया जी। तो छोटे हाथ की उंगली है ना। हाँ हाँ, मैं बहुत दर्द रहता है, ऐसा देखा समझ नहीं आता। अक्सर लोग कहते हैं कि देखिए जिगर, दिल, गुर्दा, दिमाग या और आपको इस किस्म के कोई भी डायबिटीज, हाइपरटेंशन या जब कोई मसले होते हैं उसका तो सलूशन डॉक्टर्स कंसल्टेंट्स के पास होता है, पर ये जो छोटी उंगली वाला है ना, इसके लिए एक आप अपना ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाएं, यूरिक एसिड जो है उसको मॉनिटर रखें, आप इसमें अपने सारे टेस्ट ज़रूर करवाएं ताकि आपको पता चले कि आप कैसे ठीक हो सकते हैं। तो आप क्या अच्छा अच्छा अच्छा, तो उसके अलावा आप आपकी डाइट ठीक है? आप नॉर्मली जो खाना यूज करते हैं वो ठीक है? मतलब आपकी डाइट क्या है, खुराक क्या आपकी? जी अल्लाह का शुक्र है, खाना खाना तो जबरदस्त है, माशाल्लाह से लोग इतना अच्छा है कि लोग बुलाते नहीं है। क्या नहीं करते लोग हमें बुलाते नहीं, इतना अच्छा खाना खाते हैं हम तो।
अच्छा मैंने कहा पता नहीं कह रहे पिलाते नहीं है लोग अपने कहा बुलाते नहीं है आई वाज लाइक अच्छा 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 सही 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 ट्रेड भी सही है सब सही है बस ये जो जो है ना इसके लिए आप यूरिक एसिड टेस्ट कराएं रूमेटॉइड आर्थराइटिस का टेस्ट करवाएं अपना ब्लड टेस्ट एक दफ़ा ज़रूर करवाएं क्योंकि इंसान की बॉडी में होने वाली सारी जो कमी बेशी है और जो वीकनेसेस हैं या जो स्ट्रेंथन है वो खून में होती हैं तो ये आपको अपनी मॉनिटरिंग ज़रूर करनी चाहिए और इसके अलावा आपको मुझसे कोई एडवाइस नहीं चाहिए कोई हेल्थ एडवाइस नहीं चाहिए आपको कोई हेल्थ एडवाइस नहीं चाहिए इसके अलावा आपको इसके अलावा कोई हेल्थ एडवाइस नहीं चाहिए मुझे लग रहा है बचपन में आपके किसी दरवाजे में छोटी उंगली आ गई होगी और वो अभी तक आपकी पेन कर रही है क्या अच्छा 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 ठीक है ठीक है सही ठीक है बस मैं यही पूछ रही थी कि आप अगर कोई इसके अलावा एडवाइस देना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं मैं लोगों की खिदमत कर रही हूँ ये वेलफेयर का काम है और वेलफेयर के कामों में बहुत आगे रहती हूँ अभी जो जनरल लोगों को कॉल की जा रही है ताकि पता चले कि पाकिस्तान में जो है वो बीमारियाँ किस हद तक किस मतलब किस कौन सी चीज़ ज़्यादा हो रही है और कहाँ पे हम कंट्रोल कर सकते हैं प्रिवेंटिव मेजर कहाँ ले सकते हैं हम जी बिल्कुल ऐसे ही है बिल्कुल ऐसे ही है जी 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 आप तो ब्लैक नहीं कर रही आप क्या क्या कर रही हूँ आप लोग तो ब्लैक नहीं कर रहे चोर तो नहीं की नहीं 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 ऐसी कोई चीज़ नहीं होती ऐसी मतलब मैं आपको एक फ्री एडवाइस दे रही हूँ और आप ब्लैक करने की बातें कर रहे हैं कैसी बातें कर रहे हैं आप आपको बता रहे हमारे कॉम में शख्स जो है ना वो फोन में आ गया कॉम में क्या चीज कहाँ पे आ गई है आखिर में आप बोले फोन में हमारी शक जो है ना शक की शक शक फोन में आ गया शक अच्छा अच्छा मुझे लगता है आप मेरे साथ तो प्रॉब्लम है ही छोटी उंगली का आपके कान का भी प्रॉब्लम है एक चीज में सात दफा बोल रहा हूँ नहीं असल में आपकी आवाज़ थोड़ी ठीक नहीं आ रही मुझे असल में आपकी आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं आ रही थी तो जुबान के दर्द की गोली है आपके पास जुबान के दर्द की गोली तो नहीं हो सकती इट्स नॉट लाइक अ ऑर्गन इट्स लाइक अ बॉडी पार्ट अगर जुबान में दर्द हो तो कोई होता है उसके पास आपने लगता है जुबान भी अपने दांतों में दे दी है आप उसके लिए पेन किलर ही ले सकते हैं क्या करेगा जुबान पे असर करेगा पेन किलर बिल्कुल करेगा हर जगह असर करती है पेन किलर भाईजान अभी हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम हेलो 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 भाईजान आपका नाम क्या है हेलो हाँ आपका नाम क्या है अकरम भाई पूछना सवाल होता है आप ये पहले पूछते हो यार चक्कर ये है कि भाई ये हम लोग जहाँ एक शो से कॉल कर रहे हैं आपको कटाकट शो से और ये हमारे साथ मौजूद हैं हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर रबिया और इन्होंने कॉल की थी और जवेरिया डॉक्टर जवेरिया और इन्होंने कॉल की थी और इनको टास्क मिला था कि ये किस मैं आपका शो मैंने अभी कुछ देर पहले आपका क्लिप देखा था सोशल मीडिया पे कौन सा क्लिप देखा था आपने किसी मासूम और शरीफ खातून को पकड़ लिया ये डॉक्टर साहब जो है मुझे हाँ तो अच्छी है ना भाई अच्छी बात है ना देखें इन्होंने बात भी सेहत की लेकिन आप का मसाइल वाकई असली मसला है आपकी उंगली का या आप हमसे मजाक कर रहा हूँ आपको मेरा मजाक है आप मेरे
मैं आपके स्कूल में पढ़ा हूँ, आपसे मजाक करूंगा। अच्छा नहीं भैया, फिर तो बाकी में छोटी मिल में दर्द है भाई। अच्छा चले, अल्लाह सेहत दे आपको। लेकिन बेसिकली बता, मकसद ये कि भाई हम मजाक करते हैं। भाई ये बात को, ये बात है कि तुझे यकीन नहीं आता, मैं डॉक्टर के बताता हूँ, वो भी हंसता है। आप कुछ बताओ, एक बंदे को तकलीफ आगे से हंस रहा है। चलें, अगर आपको वैसे भी कंसल्टेंसी आप, चाहिए, आपको पता है, आपको पता है ये जो हमारे साथ डॉक्टर बैठे हैं ना, ये गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर हैं। इनके पास 9 गोल्ड मेडल हैं, 9 गोल्ड मेडलिस्ट हैं जी, 9 गोल्ड मेडल्स हैं इनके पास, 9 गोल्ड मेडल लिए हैं जी। मैं तो बोल रहा हूँ भेज दे, गोल्ड महंगा होगा भाई। अब इनसे मैंने ये ऑफर मैंने देखा है, पाकिस्तान में जितने भी लोग गोल्ड मेडल मिलते हैं, भेजते हैं। नहीं मैं तो कभी भी नहीं, आई नेवर आई वांटेड टू सी। अभी देखिए, अभी सोना महंगा हुआ हुआ है। मैं शुक्रिया दे रहा हूं भाईजान, भाईजान आप, आपका शुक्रिया बहुत-बहुत, थैंक यू सो मच। और बस आप ये शो देखिएगा, रात को 10 बजे आएगा कटाकट शो, तो आपको नजर आ जाएंगे हम। हो सकता है आपका क्लिप भी वायरल हो जाए। बिल्कुल, आप, मैं तो बोल रहा हूं, आपका नाम जैन है ना, जैन जी, नाम शो करते हैं जी 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 जी। मैं भी लेता हूँ इनसे, मैं अभी पर्ची बनवाता हूँ, मैं भी करवाता हूँ कुछ। डॉक्टर साहब आई नहीं, आपके मशवरे का शुक्रिया, आपको आइटम बहुत शुक्रिया भाई। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। यार ये प्रॉपर था फारिग, और ये हमसे खेल रहा था। उनको ना डॉक्टर साहब की आवाज अच्छी लग रही थी, तो मैं करते अच्छा वो चिपक गया था। नहीं, नॉर्मल लाइफ में भी ऐसे ही होता है। नॉर्मल लाइफ में भी ना फोन, मतलब मैं कम ही उठाती हूँ या क्लिनिक कर रही होती हूँ, तो वो नहीं बंद करते। मतलब क्या कहते हैं, हम बंद नहीं करें ना प्लीज, मतलब फोन नॉर्मल से भी करते हैं। और आप रेडियो किया करें, रेडियो पे भी आपकी आवाज है ना वैसी लगेगी जैसे फोन ही ना रो लो। अगला कहेगा कि बात ही कुछ करना ही नहीं है उसका, रेडियो शो सुनना। चले इस वक्त हम लोग जाएंगे ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के वापस आएंगे। इसमें हम कहीं से कहीं हुए, एंड दिस इज कटाकट शो, वी हैव डॉक्टर साहिबा, वी हैव सरहा विद अस, एंड दिस इज कटाकट शो। वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं, साथ दीजिए। चल हट पर हट ना कर खट पर, दिस इज कराकट, एंड वी हैव डॉक्टर जवेरिया, वी हैव सर हाउ विद अस। इन दोनों से बातें चल रही हैं, कॉल्स दोनों ने कर ली और दोनों ने कमाल किया, बहुत मजा। थैंक यू सो मच। आपके साथ तो चिपक ही गया था, आपकी आवाज में कशिश महसूस है। अच्छा, exactly. है ना, मुझे भी लगा वो उनको मोहब्बत हो गई थी आपसे, आवाज से, आवाज से। छोटी उंगली में दर्द बताया उसने, मतलब कि मैंने कभी, मतलब लोगों को डायबिटीज होती है, हाइपरटेंशन होता है, कोलेस्ट्रॉल मतलब बड़ा होता है, या यूरिक एसिड बड़ा होता है। मैंने पहली दफा सुना है कि छोटी उंगली में दर्द है। पहला केस आपके पास ऐसा है जो हमेशा आपको याद रहेगा। इन्होंने उंगली जरूर बचपन में कहीं ना कहीं दी होगी। पॉसिबल है, कुछ लोगों की आदत होती है ये। प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए डॉक्टर साहब, अब आपसे भी सवाल होंगे, कुछ आपसे भी सवाल होंगे। आपसे मेरा सवाल ये है कि फैमिली में हर बंदा किसी ना किसी वजह से मशहूर होता है। जैसे मेरी खाला है, वो मशहूर है कि यार वो खाने बहुत अच्छे बनाते हैं। आप इस तरह करती हैं घर में, या आप शोहर, ये तो आपने बता चुके हैं, वो आपका वो टैलेंट है। ये कोई ऐसी चीज़ बताएं जो कि फील्ड में आप किस वजह से मशहूर हैं। वो होता है ना कि यार सरह का ना सरह, वो वाली सरह, सरह ये वाली सरह, या सरह की कोई ऐसी क्वालिटी से आप मशहूर हो अपनी इर्द गिर्द अपने फील्ड ऑन टाइम, ऑन टाइम, वेरी प्रोफेशनल, ऑन टाइम, पंक्चुअल, कभी आप लेट, कभी अच्छा ये शिकायत आपके हस्बैंड को नहीं होती कहीं जाना हो, क्या पता आप सिर्फ फील्ड पे प्रोफेशनली जल्दी टाइम पे जाती हो, कहीं दावतों में भी जल्दी जाती हैं टाइम, ऑन टाइम, ऑन टाइम, या अगर मैं पता हो कि लेट शुरू होगा तो हम उस टाइम पे जाएंगे, वरना ऑन टाइम, बट प्रोफेशनली ऑन टाइम। यार ये अच्छी बात, ये बहुत प्रोफेशनल बात है। चलें अब दूसरा सवाल ये है कि अपने बारे में कोई सबसे ज़्यादा वाहियात या फेक न्यूज़ क्या देखी इंटरनेट पे, कि आँख खुली है, मोबाइल उठाया, यार ये कैसी न्यूज़ चल रही है मेरे बारे में। फेक न्यूज़ के, एक तो मैं लाहौर में पैदा हुई,
जो मैं लाहौर में पैदा नहीं हुई, मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की वो भी यार ये वो तो नहीं जिसमें नेटवर्क भी लिख देते हैं लोग कि ये कम से कम बस बहुत बड़ा घर है, वो इतना बड़ा घर है कि वो कोई जो है ना वो कोई मिस्टर बजाज टाइप का घर है। आप दिल में से कहोगे आमीन अल्लाह करे ऐसा होता और वो ऐसे कि घर की कब्र ही ना खत्म हो रही हूँ वाला घर है। लाहौर की पैदाइश है आपकी, पंजाब यूनिवर्सिटी में आपने पढ़ा है और आपका मिस्टर बजाज टाइप का घर है, ये अपने अपने बारे में फेक न्यूज पढ़ी। डॉक्टर साहब बस सेम सवाल, आप अपने लिए फेक न्यूज कोई ऐसी देखी, कोई ह्यूमर ऐसा सुना कोई कि यार ये मैंने सुना मेरे बारे में ना ये बहुत ज्यादा? वैसे तो देखिए बातें करने वाले तो बहुत लोग होते हैं पर काफले चलते हैं और तो सही है, लेकिन कभी कोई अपने कानों तक सुनती भी आई बात क्या यार उड़ती उड़ती मुझ तक आई कि मैं जो हूँ ना फलानी हूँ या मैं जो हूँ ना मैं ये हूँ? आप जब प्रोग्रेसिव हो रहे होते हैं तो आपके ओपोनेंट्स और आपके मतलब काफ़ी लोग ऐसे होते हैं तो दोज हु डोंट लाइक यू और आपसे लड़ते हैं, आपको अप्रिशिएट नहीं करते, आपके इवन दोस्तों में से भी होते हैं, आपके जानने वालों में से भी होते हैं, तो वो बात फिर कहीं जब चार लोगों में बैठ के आपकी बात कर रहे होते हैं पर देख they don't have a point to talk about, you can say मतलब कभी इतनी serious बातें करती है ना बंदा serious हो जाता है, नहीं होता तो यूं हो जाता हूँ आखिर में तो यार ये नहीं इतना ना हो इतना इतनी serious बात कहीं चली जाती है हमारी, मतलब कोई injection थोड़ी लगाया नहीं injection से मुझे डर लगता है भाई। अच्छा मुझे ये बताएं चले आपसे गाना सुनते हैं वरना आप और कोई serious बात कर देंगे उससे, गाना सुना देना उससे भाई अपना कोई favorite कौन सा आपको सुनाऊं मैं? आप मुझे सुना दें कोई पाकिस्तानी पाकिस्तानी बहुत सारे हैं, ये तो डांस करती हैं पाकिस्तानी गानों पे, ये तो इनका आतिफ असलम के गाना आतिफ के बहुत सारे हैं, थेवा मुंद्री द थेवा व्हाट इज दिस आप बता दें कुछ इस तरह पहली नजर में ऐसा जादू कर दिया कुछ इस तरह हाँ कुछ इस तरह पहली नजर में कैसा जादू कर दिया डाउन 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 मेरा अपना बैठा तेरा अपन बैठा आई डोंट नो हाँ नूर जहाँ के गाने मुझे बहुत पसंद है, अलग कर दिया नूर जहाँ के सॉन्ग्स बहुत पसंद अलग कर दी शायरी नूर जहाँ प्लीज प्लीज मैडम का गाना सुनाएं उड़ता दुपट्टा मेरा मल मल दा दिल उत्ते जोर चन्ना नहीं चलदा आवेंगी मनावांगी मैं हाथ जोड़ के माया तू सखा दा केरी गल दा सन प्यार दे पुलेखे विच पा के सादी अखा दिया नींदड़ा उड़ा के ते खौरे माही किथे रह गया सन नहर वाले पुल ते बुला के टेंपो में तो है हां टेंपो में है। अच्छा ये डांस का कहां से ये कहां से आया और सोचा कैसे कि मैं YouTube पे डांस? ये मैंने नहीं सोचा था, ये राबिया ने सोचा था, उसने कहा था कि बाहर मुल्कों में तो बहुत प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो एवी यूट्यूब चैनल्स होते हैं वो अपने शौक के लिए करते हैं लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कोई चैनल नहीं है तो वो हमें करना चाहिए तो वो उसका आइडिया था। फिर हमने बोला चलो बना लेते चैनल, फिर अल्लाह मालिक है गालियाँ पड़ेंगी नहीं पड़ेंगी वो तो अलग है, लेकिन लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत ज़्यादा व्यूज़ हैं और मुझे नहीं लगता कि कोई और इस तरीके से इतना प्रोफेशनली कर रहा है। आप लोग वीकली कोई वीडियोज करते हैं या? वीकली नहीं करते, बेसिकली जब हमारा स्केड्यूल मैच हो जाए, जब दो सितारे मिल जाए तो आप पहुँच जाते हैं, आपके साथ माहम भी होती हैं, हमने माहम के साथ भी कोलैबोरेट किया है, हमने फैजान शेख के साथ भी कोलैबोरेट किया, हम सेलिब्रिटीज का कर रहे थे बट उसके लिए ना टाइम चाहिए होता है, उनके पास टाइम नहीं होता होगा तो फिर आप आखिर में क्योंकि हमें दो दिन चाहिए होते हैं तो प्रैक्टिस के लिए अगला दिन शूट। वेरी गुड, अब मजीद सवाल आपकी तरफ, अब एक छोटा सा गेम खेलेंगे हम। एग्जैक्ट सही, आपने अब ऑब्वियसली हम पहली दफा मिल रहे हैं हम तीनों, आपने अपने बारे में दो झूठ और दो सच बताने हम दोनों को, हम उसमें से गेस करेंगे कि ये आपने झूठ बोला था और ये आपने सच बोला था। ओके वो चार बातें आप कोई भी कह सकती हैं, हम गेस कर सकते हैं। चार बातें कहनी दो आप गेस करेंगी, आप ये बोल सकती हैं कि ये जो इन्होंने बात बोलती है ये झूठ है, दो झूठे और दो सच हैं। दो झूठ बताएंगी आप और दो सच बताएंगी, हम ये बताएंगे कि ये वाली बात झूठ थी और ये सच थी। ओके बताएं। एक तो मैं बहुत बदतमीज़ हूँ और मैं बहुत बेवफा भी हूँ, मेरे पास 4 अरब रुपये है। हो सकता है सही है। आगे आगे कल FBR वाले पूछ रहे हो मेरे लिए। और उसके अलावा ये कि मैं सबका बहुत ख्याल रखती हूँ। सबका बहुत ख्याल रखती हूँ, सच लग रहा है? हाँ, 4 अरब भी वैसे सच ही लग रहा है मुझे। हाँ, तो मुझे तो सारे नहीं, पहले दो तो झूठ थे, बेवफा नहीं है और ये वो बेवफा नहीं है और क्या बदतमीज नहीं है। अच्छा
बदतमीज तो ये हैं ये मुझे लग रहा है ऑफ द कैमरा नहीं है। चले आपने इसमें से दो झूठ बोले तीन झूठ बोले एक सच बोला हाँ ठीक है मतलब ये सच है हाँ ठीक है ऐसा ही है बिल्कुल चले अब आप तो समझ ही गई हैं बता दें अब हम गैस करेंगे ठीक है मेरे घर की अलमारियाँ कभी भी साफ नहीं रहती मैं बहुत सारा खाना खाती हूँ मुझे जिम करने का बहुत शौक है और मुझे सोने का बहुत शौक है बताएं आप क्या कहते हैं इनको सोने का बहुत शौक है बट ठीक है और कर लें फिर मैं आंसर बताऊंगी रिजल्ट बताऊंगी और जिम करने का भी इनको शौक है ठीक है नेक्स्ट और अलमारियाँ इनकी वाकई में सेट नहीं रहती चौथा बताएं मे बी अलमारी सेट रहती हूँ बिकॉज शी लव्स टू यू नो डू दैट चौथा बताएं चौथा और फोर्थ क्या था सोना था बहुत खाना था हाँ बहुत खाने वाली बात जो है वो ये बहुत नहीं खाती अच्छा अब मुझे क्या लग रहा है इनकी अलमारियाँ सेट रहती हैं सोना इनको पसंद है तीसरी चीज़ खाने की ये शौकीन खाना बहुत नहीं खाती और चौथा क्या था आपका सोना बहुत जिम भी नहीं करती है मुझे लगता है अब मैं बताती हूँ मेरे घर की अलमारी बिल्कुल सेट नहीं रहती वो एक बाहर चीज अच्छा? है जो कभी नहीं होता है मेरे घर में ये जीत गई भाई चलो भाई नेक्स्ट कभी नहीं होता है नेक्स्ट मुझे बहुत खाने का बिल्कुल शौक नहीं है अच्छा ये तो मेरा सच था जिम का मुझे क्रेज है जिम का मैंने ठीक कर आपने बोला सही है ज्यादा सोने से मेरा मूड ऑफ हो जाता है तो मैं ज्यादा नहीं सोती ज्यादा फिर मैं गलत यानी कि आप और मैं बराबर ही है दो पॉइंट आपके और दो मेरे चलिए अब मेरी बारी ओके मैं मैट्रिक में फेल हुआ था मेरे पहले गाने के मुझे 800,000 रुपए मिले थे ठीक है मेरे दो बच्चे हैं चौथा ये लास्ट शो है ये लास्ट शो शो वाला झूठ है आप बताएं ये मैट्रिक में फेल हुए हैं आई थिंक यस दैट्स ट्रू ये क्या बता अच्छा ओके आगे नेक्स्ट आपने क्या बताया था मेरे दो बच्चे नहीं वो तीसरा बताया था आपने अच्छा दूसरा मैंने बताया था क्या बताया था आपने बताया था मुझे फर्स्ट प्रोग्राम में 8 लाख मिले थे हाँ मेरे पहले गाने के मुझे 8 लाख मिले ये झूठ है ओके ये झूठ है दो बच्चे हैं सच हो सकता है नहीं दो बच्चे चौथा आपने बताया आखिरी शो ये झूठ है ये झूठ है आपकी बारी फर्स्ट जो आपका है वो क्या था यार ये पता लगा फर्स्ट आपका मैट्रिक में आप मैं फेल हुआ हूँ नहीं आप मैट्रिक में फेल नहीं हुए हैं और दूसरा वाला जो था उसमें आपको वो भी नहीं है मतलब वो फर्स्ट नहीं नहीं फर्स्ट पैसे आपको नहीं मिले पहले प्रोग्राम में 8 लाख और ये दो तो आपने झूठ बोल दिए बच्चे आपके दो सकते हैं और फोर्थ वन के लास्ट जो आपका नहीं है ओके चले मैं जवाब देता हूँ मैट्रिक में मेरी सप्ली आई थी पहला यस पहला जवाब बिल्कुल सही दूसरा जवाब मुझे 800,000 रुपये वाकई नहीं मिले थे पहले गाने के तीसरा जवाब मेरे दो बच्चे हैं अच्छा। बिल्कुल हैं और चौथा ये लास्ट शो है मतलब जिंदगी का लास्ट शो नहीं है ना हमने तो ये कंसीडर किया लास्ट शो नहीं है ये चौथा झूठ है देखिए मैंने सब सही yes, बोला है आपने सही आपने ठीक वेरी गुड बहुत आला अब हम आगे बढ़ते हैं आपको 5 नाम बताऊंगा जिनको आपको एडवाइस देंगे ठीक है सबसे बुरा काम एडवाइस देनी है क्योंकि आप दे सकती हैं पहली एडवाइस आपको देनी है अदनान सिद्दीकी को बहुत पैसे कमा लिए अदनान सिद्दीकी साहब ने अब घर पे बैठ जाए इनफैक्ट लास्ट शो में भी बहुत कमाए हमें पता है सेकंड नाम इजाज असलम अपनी हाइट कम कर ले ही सो टॉल बहुत ज्यादा ही हां वैसे है माशाल्लाह और यंग अब तक वो जिम फ्रीक हैं कैलोरीज काउंट कर करके वो खाना खाते हैं ये काम इनके मुझे मेरे से रابطے में रहते हैं ये काम इनके हैं थर्ड हमजा लियाबासी आई थिंक ही शुड रिटर्न ऑन टीवी लाइक सिनेमा में तो मैं हां वो तो है बट करनी चाहिए उन्हें ड्रामा एक्टिंग वापस एक्टिंग में ड्रामे में आना चाहिए ओके फिरोज खान बहुत कोई मज़लूम कैरेक्टर करें बहुत मज़लूम कैरेक्टर करें बिल्कुल मासूम करेक्टर क्योंकि उनके वो जो कैरेक्टर है वो हाँ उन्होंने बहुत ज़्यादा कर लिया अब वो बिल्कुल मासूम करें अब मासूम करें ओके दानिश तैमूर उनको भी कुछ डिफरेंट करना चाहिए लाइक कुछ पंजाबी टाइप कैरेक्टर करना उनका कैरेक्टर भी
उन्होंने बहुत मॉडर्न कैरेक्टर्स किए ना, उन्हें भी पंजाबी कुछ करना चाहिए। पांच खवातीन जिनका कुछ एक चीज आपको चुरानी हो, नीलम मुनीर, मसा, नीलम मुनीर, क्या क्या कोई एक चीज चुरानी हो जो आपको उनकी वो चीज बहुत पसंद हो और आप कहेंगे यार ये एक चीज चुरा लो। उनके बाल बहुत अच्छे, उनके बाल। महविश हयात क्या चुराएंगे आप? महविश हयात कोई चीज बताएं, महविश हयात की चुराएंगे हर ड्रेस, मतलब हर फैशन सेंस इज गुड, फैशन सेंस चुराएंगे आप? ओके। इकरा अजीज, इकरा अजीज आंखें, आंखें, ओके। माहिरा खान, माहिरा खान शी हैज नाइस डिंपल, डिंपल, डिंपल चुराएंगे आप उनका? डिंपल तो इनका भी है, मेरा भी है। अच्छा फिर भी चुराएंगी? हाँ, बट इट्स एड ब्यूटी, एड एडिशनल ऑफ सम न्यूट्रिएंट्स एंड ब्यूटी, नथिंग हार्म्स यू, यू नो। फिर लेक्चर मिलेगा आपको, लेक्चर मैं जो मैंने तभी मैंने जवाब दिया चुप ही हो गया। मिनाल, मिनाल इंस्टा स्टोरी नहीं, इनकी इंस्टा स्टोरी नहीं, मिनाल फॉलोअर्स नहीं भाई, सब फॉलोअर्स नहीं होते। अच्छा फिर क्या चुराना है? क्या चुराना है बन जाने आंखों का कलर, आंखों का कलर, ओके। लास्ट आपके लिए, आपका फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है? अली मीन गंडापुर हैं, अली मीन गंडापुर, कसम से दोनों ने पहले कश्मीर अफेयर्स के वो मिनिस्टर रहे हैं और अच्छा। वो गिलगित बल्तिस्तान से हैं। अच्छा, जो हम टीवी पे देखते हैं ना उनका पता है, पीटीआई में है। अच्छा, जो मशहूर मशहूर हैं, मेन मेन उनके बताएं उनमें से कौन? वैसे तो देयर आर सो मेनी पॉलिटिशियंस, बट मतलब मैं, मुझे लगता है आगे चल के पॉलिटिक्स में आ जाएंगी। हां, तभी तो ना, आई एम पीटीआई सपोर्टर, वेरी स्ट्रांग, या मुझे वो लग रहा है आपके अंदर वो है कि हम देखेंगे किसी जगह आप बैठी हैं हामिद मीर के बराबर में और लड़ रही हैं उससे भी। नहीं, फेवरेट पॉलिटिशियन? नो आईडिया, नॉट इंटरेस्टेड एक्चुअली। पॉलिटिशियन होने के लिए डैश होना बहुत जरूरी है? पॉलिटिशियन होने के लिए आपको मतलब आपकी जो क्या कह सकते हैं उसको, हिपोक्रेसी और समथिंग, हिपोक्रेसी हो, और ब्लंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड, हिपोपोटामस भी कह सकती थी आप, नहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड होना भी जरूरी, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना जरूरी है, यहाँ पे तो सारे झूठे हैं, नहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड होना जरूरी है, आप मतलब इट्स लेस टाइम कंज्यूमिंग, अपना आप मारना जरूरी है, हाँ आप सेल्फ सेक्रीफाइसेस जरूरी हैं, पार्टी सेक्रीफाइसेस, सेल्फ सेक्रीफाइसेस, एंड यू शुड बी फाइनेंशियली स्ट्रांग इफ यू जॉइन पॉलिटिक्स। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर, हाँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की महफिल, आज का शो, आज की बैठक, आज की कचहरी यहीं पर ख़त्म होती है। इंशाल्लाह ज़िंदगी है कि तो मुलाकात रहेगी आप लोगों से नेक्स्ट वीक रात 10 बजे हफ्ते को, और आप लोगों का फीडबैक मिल सकेगा थ्रू फेसबुक, थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू यूट्यूब, थ्रू ट्विटर, जहाँ जाएँ ट्वीटें, जो दिल में आता है वो लिखें। हम चाहते हैं कि आपकी बात दिल की हम तक पहुँचे ताकि आपका दिल हल्का हो और आप लोग मुस्कुराएं। आज की महफिल यहीं पर ख़त्म होती है। ज़ेन इज़ फाइनली साइनिंग फ्रॉम द हॉट बॉक्स ऑफ बोला एंटरटेनमेंट। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, एंड फाइनली फी मान अल्लाह। चलेगा तपेगा पकेगा बनेगा तेरा घटाघट बनेगा तेरा घटाघट। मेरी टैक्सी में बैठ जाओ, जहां तक ले जाऊंगा। आई है टैक्सी कैश, टैक्सी कैश, आई है टैक्सी कैश, टैक्सी कैश, आई है टैक्सी। कभी टैक्सी वाले ने सवारी को किराया दिया? सुना है ये सीट नहीं हॉट सीट है, अब जिंदगी में करेंगे ऐश, क्योंकि आ गई है टैक्सी कैश। टैक्सी कैश, पीर और मंगल रात 9 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।